हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ चित्रा। आज हम बनाएंगे गार्लिक लच्छा पराठा, तो चलिए शुरू करते हैं। गार्लिक लच्छा पराठा बनाने के लिए हमें चाहिए गेहूं का आटा। यहाँ पे मैंने डो बना के रखा है। इसके मैंने 5 से 6 लोई बना के रखी है। फिर हमें चाहिए मसाले। मसालों में सबसे पहले हम लेंगे अमचूर पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और स्वादानुसार नमक। फिर हमें चाहिए लहसुन, इसके मैंने छोटे छोटे पीसेस किए हैं, धनिया पत्ता, अजवाइन और घी। अब हम मसालों को मिक्स करेंगे। एक बोल लेंगे, सबसे पहले लेंगे 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, फिर 2 चम्मच धनिया पाउडर, फिर 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर और 1/2 चम्मच चाट मसाला। चाट मसाला टोटली ऑप्शनल है, आप स्किप भी करेंगे तो भी चलेगा। फिर लास्टली डालेंगे स्वादानुसार नमक। अब हमें इन मसालों को अच्छे से मिक्स करके लेना है। अब हम पराठे बनाने को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लोई लेंगे, इसको बेलेंगे और फिर घी लगाएंगे। उसके बाद लेंगे अजवाइन और जो हमने मसाला बना के लिया है उसे भी यहाँ पे लगाएंगे। तो अजवाइन और मसाले को हाथ से स्प्रेड करके लेंगे। फिर आटे को स्प्रिंकल करना है ताकि जब हम लेयर्स बनाएंगे वो एक साथ चिपके नहीं। फाइनली धनिया पत्ता डालेंगे और इसके लेयर्स बना के लेंगे। तो इस तरीके से हमारे लेयर्स बनके रेडी है और जो हमने छोटे छोटे लहसुन के पीसेस करके लिए थे उसे हमें इसके ऊपर चिपका के लेना है और 15 से 20 मिनट के लिए इसे रेस्ट देंगे ताकि जब हम पराठा सेकेंगे तो इसके अच्छे लेयर्स आएंगे। अब हम इसे बेल के लेंगे। और अच्छे से सेक लेंगे। इस तरीके से हमारा गार्लिक लच्छा पराठा बनके रेडी है। अब इसे हम सर्व करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।